नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। पूरे देश में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर जमशेदपुर में आईएमए की ओर से डॉक्टर और समाज विषय पर परिचर्चा का किया गया आयोजन। बुद्धिजीवियों ने रखा वर्तमान परिस्थिति पर अपना विचार, कहा समाज में नहीं है कोई सुरक्षित। जमशेदपुर के भविष्य निधि कार्यालय में पिछले दिनों एक कर्मचारी ने कार्यालय के अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर कर ली थी खुदकुशी। उनके आश्रितों को उचित मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग पर कर्मचारियों ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में फिर चरमराई सफाई व्यवस्था। सोमवार से सभी सफाई कर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सफाई कर्मियों की संख्या घटाए जाने के विरोध में कर्मी गए हड़ताल पर, विभाग भी मौन। अब खबरें विस्तार से। पूरे देश में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर जमशेदपुर में आईएमए के द्वारा डॉक्टर और समाज विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल बुद्धिजीवियों ने वर्तमान परिस्थिति पर काफी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमले सभी पर हो रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। बिष्टुपुर स्थित एक होटल में एपेक्स हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय परिचर्चा में डॉक्टर और समाज विषय पर परिचर्चा करने के लिए जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनुप बिरथरे, राजनीतिज्ञ, डॉक्टर और मीडिया जगत के लोग शामिल थे। जहां परिचर्चा के दौरान बदलते सामाजिक माहौल पर विचार विमर्श किया गया, वहीं सभी बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक दलों के लोगों ने एक सुर में कहा कि आज पूरे देश में कोई सुरक्षित नहीं है। जहां भगवान के रूप में माने जाने वाले डॉक्टरों को भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पत्रकार, पुलिस और राजनीतिक दलों के लोग भी कहीं ना कहीं इनके आक्रोश का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हमें कड़े कानून बनाकर उन चंद लोगों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। वहीं उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनुप बिरथरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों पर हमलों की घटनाएं काफी बढ़ गई है। ऐसे में पुलिस हमेशा दोनों पक्षों की बात को सुनकर न्यायालय के समक्ष सच्चाई को रखने का प्रयास करती है। जहां कई जगहों पर डॉक्टरों की गलती सामने आई है, ऐसे में महंगे होते इलाज को एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। जहां डॉक्टर मनमाने तरीके से इलाज के नाम पर पैसों की उगाही करते हैं, जिस कारण लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। ऐसे में आईएमए को भी पहल कर डॉक्टर और समाज के बीच बढ़ती दूरी को खत्म करने का प्रयास करना होगा। वहीं आज पूरे देश में कोई सुरक्षित नहीं है। नक्सली और आतंकवादियों के द्वारा पुलिस जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं आक्रोशित लोगों का शिकार शिक्षक और डॉक्टर हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स पर भी उंगलियां उठ रही है, तो वहीं राजनीतिक दलों के लोगों को भी जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस तरह के परिचर्चाओं के माध्यम से हम समाज में फैली बुराइयों को खत्म कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य यह है कि सभी संस्थाओं ने अपना गौरव अपना स्थान खोया है, ना केवल डॉक्टर्स, सभी संस्थाओं का वो स्थिति है, समाज का ही एक ऐसी स्थिति है अजीब सी, और उसको सुधारने के लिए हम ही लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से भी सुधारने के लिए आएगा। तो सभी लोगों ने जो अपना है गरिमा और आदर का स्थान था वो खोया है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी में दोनों, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस ब्यूरोक्रेसी या पुलिस साइड, और उसी क्रम में टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स जो शिक्षाविद हैं और डॉक्टर्स। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो अजीब सा माहौल समाज में आया है ना, कि छोटी सी बात पर लोग धैर्य खो दे रहे हैं और घटना कर दे रहे हैं, गाली गलौज पर उतर आ रहे हैं या मारपीट कर दे रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स के साथ हुआ है, बहुत स्पेसिफिक घटनाएं सामने आई है। लेकिन ओवरऑल उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई किसी कम्युनिटी पर कोई अटैक अचानक से जनता ने कर दिया। बेसिकली ये जो हमारी सोसाइटी में ही ओवरऑल गिरावट आ रही है, सारे इंस्टीट्यूशंस ने, संस्थाओं ने जो अपना रिस्पेक्ट खोया है, ट्रस्ट खोया है कहीं ना कहीं, उसी का ये नमूना है। जमशेदपुर के भविष्य निधि कार्यालय में पिछले दिनों एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके आश्रितों को उचित मुआवजा प्रदान किए जाने की मांग पर कार्यालय के तमाम कर्मचारियों ने सोमवार को काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रकट किया।
बता दें कि चार दिनों पूर्व ही कार्यालय के अधिकारियों के प्रताड़ना से तंग आकर राम नरेश प्रसाद नामक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद सभी कर्मचारी रोष में थे। वहीं उन्होंने सोमवार को उनके आश्रितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग पर काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले को भविष्य निधि के वरीय अधिकारियों ने संज्ञान में ले लिया था। इस प्रदर्शन के बाद सभी कर्मचारियों के साथ वरीय अधिकारियों ने बैठक की, जिसके बाद मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा प्रदान की जाएगी। हम नरेश जी फांसी लगा लिए थे और जो है कि उनके विरोध में ऑफिस में कैसे घटना हुआ, गाँव के दबाव के चलते हो गया था और जो घटना हुई उसके विरोध में हम लोग आज काला बिल्ला लगाए और हम जावर डेमोस्ट्रेशन किए। लेकिन क्षेत्रीय आयुक्त महोदय ने आके सारी बातें बताई, आश्वासन दिया कि एक महीना के अंदर जो है कि उनके परिवार के आश्रितों का जो कुछ नंबर है एक महीना के अंदर सारे क्लियर करूँगा। और इसलिए जो है कि आज हम लोग सभा किए शोक सभा और बाकी कोई और किसी की शिकायत नहीं, आगे करवाई कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। आज से अस्पताल के सभी सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि पिछले फरवरी माह में जहां अस्पताल की साफ सफाई का जिम्मा 140 मजदूरों के भरोसे था, वहीं आज की तारीख में संख्या घटकर महज 40 रह गई है। इसको लेकर सफाई कर्मचारी लगातार संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ पत्राचार करके कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। बावजूद इसके अब तक न तो सरकार ने ही विभाग की तरफ से कोई पहल की है, जिसके बाद सभी सफाई कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इनका कहना है कि दिन रात काम करने के कारण सफाई कर्मचारियों की सेहत में गिरावट आ रही है। वहीं उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, सफाई कर्मचारी अस्पताल के सभी सेवाओं से खुद को अलग रखेंगे। जनवरी महीने से 120 की संख्या में जो सफाई कर्मचारी कार्यरत थे उसको एकाएक 40 की संख्या में कर दिया गया। और सफाई कर्मचारियों की स्थिति आज ये है कि प्रत्येक शिफ्ट में सिर्फ 10 से 12 कर्मचारियों से इतने बड़े अस्पताल परिसर का कार्य कराया जा रहा है। उल्टे हम पर दोषारोपण भी किया जा रहा है उच्च पदाधिकारियों द्वारा कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हम अपना काम इस कदर कर रहे हैं, अतिरिक्त बोझ लेके कर रहे हैं कि आज हमारे कर्मचारी रोजाना बीमार पड़ रहे हैं। इसकी सूचना और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग हम लगातार फरवरी महीने से करते आ रहे हैं, लेकिन ना तो विभाग इसके प्रति सचेत हुआ, मूक दर्शक बना हुआ है। लगातार हमें झूठा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह 10 दिन 20 दिन बाद संख्या बढ़ाई जा रही है, कि आज की तिथि तक अगर कोई इस पर संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और उसी संदर्भ में हम आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। जमशेदपुर के बागबेड़ा जलापूर्ति योजना पर रोक लगाने की मांग माझी परगना वहाल के द्वारा उठाया गया था। इस मामले की जांच के लिए वर्ल्ड बैंक के 2 सदस्यीय टीम बागबेड़ा पहुंची, जहां इन्होंने जनता दरबार लगाकर क्षेत्र की जनता से बातचीत की। बता दें कि बागबेड़ा जलापूर्ति योजना और गोविंदपुर जलापूर्ति योजना दोनों ही वर्ल्ड बैंक द्वारा संपोषित है और केवल बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के पूरे होने से 2.5 लाख से ऊपर की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए आज क्षेत्र की जनता को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं माझी परगना महाल के द्वारा इस योजना को बंद किए जाने की मांग उठाई गई थी, लेकिन क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि इस योजना को किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़कर पूरा करवाना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक इसे शिकायत के बाद यहां पहुंची और क्षेत्र की जनता से बातचीत कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस जांच और बैठक के आधार पर टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसके बाद जलापूर्ति योजना के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जलापूर्ति योजना को लेकर जांच पैनल टीम 2 सदस्यों का टीम आई हुई है और बैठक सारे मुखिया जिला परिषद एवं ग्रामीणों के साथ और जनसहयोग के साथ बैठक हो रही है। जलापूर्ति योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए पिछले दिनों जो आपके तौर पर गणना के द्वारा विरोध दर्ज किया गया था वर्ल्ड बैंक को, उसी को लेकर जाँच की जा रही है।
जमशेदपुर में डॉक्टरों और मरीजों के बीच बेहतर स्वास्थ्य समन्वय सुगम तरीके से स्थापित हो सके, इसके लिए क्योर मंत्रा द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मौके पर राज्य के मंत्री सरयू राय भी उपस्थित रहे। मंत्री ने इस पहल की काफी सराहना की। बता दें कि क्योर मंत्रा ने इससे पूर्व अपना वेबसाइट भी शुरू किया था, जिसके माध्यम से डॉक्टर्स और मरीजों के बीच काफी आसानी से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध हो रहे हैं। शहर के 300 से अधिक डॉक्टर्स क्योर मंत्रा में रजिस्टर्ड हैं और इसे और बेहतर बनाने के लिए अब मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप के माध्यम से मरीज खुद मोबाइल के माध्यम से ही अपने लिए अपॉइंटमेंट ले पाएंगे। वहीं लगातार चलने वाली चिकित्सा के रिपोर्ट्स आदि उन्हें इस ऐप के माध्यम से ही प्राप्त हो जाएंगे। वहीं विश्व भर में कहीं भी इलाज के लिए मरीजों को रिपोर्ट्स लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही लगातार सुगम तरीके से डॉक्टर और मरीजों के बीच चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध हो पाएगा। लोग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में, एप्पल प्ले स्टोर में। पेशेंट्स के लिए अलग एप्लीकेशन है, डॉक्टर के लिए अलग एप्लीकेशन है। पेशेंट्स इसको डाउनलोड करके अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं डॉक्टर्स के। जमशेदपुर के लगभग 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स ऑलरेडी क्योर मंत्रा में रजिस्टर्ड हैं। इससे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सारा आपका मेडिकल रिकॉर्ड, न कि सिर्फ आपका बल्कि आपके सारे परिवार का मेडिकल रिकॉर्ड्स आप लोग सेव कर सकते हैं क्लाउड में। इसके द्वारा आप कहीं भी जाएं, इंडिया में जाएं या कहीं भी जाएं, आप डॉक्टर के पास जाना हो तो आपको मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं कैरी करना होता है और आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। With regards to the doctors, the advantage with the doctors is that they can see the patient in physical state and they can have a schedule for themselves. They know when the patient is coming to them. They can reduce the morbidity of a patient by increasing the communication. So any patient who has got their medical records at the lab, it will come to the doctors and they can access the reports and can get the treatment done to a patient. जमशेदपुर में डिमना विस्थापित समिति एवं झारखंड मुक्ति वाहिनी के द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विस्थापितों को मुआवजा देने की मांग की गई। वहीं सभी विस्थापित 2009 से अपने हक और अधिकार को लेकर टाटा स्टील के खिलाफ कई बार आंदोलन कर चुके हैं। जिला मुख्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन कर रहे डिमना विस्थापित समिति एवं झारखंड मुक्ति वाहिनी के ये सदस्य वर्ष 2009 से अपने हक और अधिकार को लेकर आंदोलन की राह पर हैं, जहां कई बार त्रिपक्षीय वार्ता के बाद भी इन लोगों को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए ये सभी विस्थापित एक बार फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं, जहाँ पहले चरण में ये सभी जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा। वहीं झारखंड मुक्ति वाहिनी के अध्यक्ष मदन मोहन ने कहा कि सन 2009 से अब तक कुल 23 बार त्रिपक्षीय वार्ता हो चुकी है, जहां जिला प्रशासन के द्वारा मुआवजा राशि एवं आदिवासियों की जमीन को खाली करने का निर्देश टाटा स्टील को दिया गया था, मगर अब तक इस पर किसी तरह की पहल नहीं की गई है। वहीं हम इस प्रदर्शन के माध्यम से जिले के उपायुक्त को एक माह का समय दे रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है तो एक माह बाद सभी विस्थापित टाटा स्टील के मुख्य कार्यालय मुंबई में जाकर प्रदर्शन करेंगे और अपना हक लेकर ही रहेंगे। झारखंड मुक्ति वाहिनी और डिमना बांध विस्थापित इलाकों के ग्राम सभा के संयुक्त तत्वाधान में उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हैं और हमारा मांग है कि डिमना बांध विस्थापित जो बावरा मौजा को 1942 और 43 में जो विस्थापित किया गया है और विस्थापितों को हक मिले, उनको अधिकार मिले, उनके साथ न्याय हो, इन मामलों पर 2009 से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक जो है ये आंदोलन ये निर्णायक अवस्था में होने के बावजूद हम लोग इंतजार में हैं कि प्रशासन और टाटा कंपनी जो हमारी मांग है उस पर जवाब दे। हमारा दूसरा चरण का कार्यक्रम, हमारा जो टाटा स्टील का जो मुख्यालय है मुंबई में, पूरे बोटा पंचायत, लाइलम पंचायत और अन्य हमारे आंदोलन को समर्थन करने वाले जो संगठन होंगे, जो लोग होंगे, हम एक दल के रूप में जो है हम लोग अभी अक्टूबर नवंबर के महीना में हम लोग एक मुंबई जो है हम लोग रवाना होंगे। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की
समस्या से त्वरित निजात दिलाने की मांग भाजपा मानगो मंडल द्वारा उठाई गई है। इस संबंध में उन्होंने मानगो अक्षेत्र के विशेष पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही सफाई के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इन्होंने कहा कि मानगो के तीनों मंडल इलाके में गंदगी व्याप्त है, कचरे की समस्या इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों का जीना दुभर हो गया है। शौचालयों की टंकी सफाई नहीं होने से उसकी गंदगी सड़कों पर बह रही है। नालियों से सफाई कर्मी कचरों को निकालकर सड़क के किनारे छोड़ रही हैं और उससे बीमारियां फैल रही है। इन्होंने 3 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 दिनों में सफाई के स्तर पर सुधार नहीं होती है तो पूरे इलाके के कचरों को इकट्ठा कर अक्षेस के दरवाजे पर फेंक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हमारे माननीय मंत्री श्री सरयू राय जी ने जो बीड़ा उठाया है नरेंद्र मोदी का सपना को साकार करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान का, उसके लिए नगर पालिका जो है उनका मेहनत को, उनका सपना को का धज्जी उड़ा के रख दिया है। कहीं पे कोई सफाई नहीं, नाला ओवरफ्लो होता है, कचड़ा का अंबार लगा रहता है, कचड़ा को वहीं पे डंप किया जाता है, बस्ती के बीच में डंप किया जाता है और फ़ोन करने से 15 दिन लगा देता है सफाई कराने में। जब तक जोर नहीं दिया जाता तब तक सफाई नहीं दिया होता है। तो इस तरह से हम लोग माननीय मंत्री श्री सरयू राय और हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं उनका सपना को धज्जी उड़ने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। हम कचरा को ट्रैक्टर द्वारा उठाएंगे और लाकर जेनेसी में, एमएनएसी में नगर पालिका के दरवाजे पे डाल देंगे, अगर ये सफाई नहीं हुआ तो, अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो। जमशेदपुर स्थित झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा किसानों को 1% पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान बैंक के सदस्यों ने दी। समय समय पर बैंक द्वारा लाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वार्ता के माध्यम से बैंक के द्वारा दी जाती है। इन दिनों बैंक के द्वारा किसानों के लिए 1% ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि जो किसान समय पर अपना ब्याज भरते हैं उनके लिए केवल 1% ब्याज पर लोन बैंक उपलब्ध कराती है। वहीं बैंक द्वारा समाज के कई अन्य कार्यों जैसे बेटियों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण के कार्य के लिए भी काफी सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि 1% सूद पर हम जो है किसानों को कर्ज देते हैं। जो किसान डिफॉल्टर हो जाते हैं उनको 7% लगता है, लेकिन जो समय पर पैसा वापस करते हैं वैसे किसानों को 1% ऋण दिया जाता है। इसके अलावा समाज के हर वर्ग के लिए हम लोग जो है बैंक से लोगों को सुविधा पहुंचाते हैं, चाहे स्टडी लोन हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो, हर क्षेत्र में हम लोग उनको कर्ज देते हैं, उनकी सुविधा के लिए हम लोग काम करते हैं। अभी जो है हम लोग आने वाले समय में हम लोग का कॉपरेटिव वीक शुरू होगा, उसमें हम लोग जैसे 40% हम ग्रोथ देने वाले हैं। अभी जितना ऋण मिलता है उससे 40% और ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा। जमशेदपुर के बागबेड़ा, केदाड़ी आदि क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं के निदान की मांग छामुमो प्रखंड कमेटी ने जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी है। इस संबंध में उन्होंने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान छामुमो प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि बागबेड़ा तथा आसपास के इलाकों में कचरे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस इलाके में एक वायरलेस मैदान है जहां कई कार्यक्रम होते हैं और वहां इन दिनों कचरों का अंबार लगा हुआ है। अब बरसात का पानी इस कचरे में गिर रहा है और उस कारण क्षेत्र में बीमारियां फैल रही है, जिसका अविलंब सफाई करवाया जाना चाहिए। वहीं क्षेत्र की जनताओं को सुविधा दिलाने हेतु एक बड़े मैरिज हॉल को बनाए जाने की मांग भी की जा रही है, जिससे क्षेत्र के करीब लोगों के घर के शुभ कार्य संपादित हो सके। जिसमें से मुख्य समस्या ये है कि बागबेड़ा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र में एक मैरिज हॉल, सुंदर सुंदर मैरिज हॉल, बड़ा मैरिज हॉल बनाया जाए और मिनी पार्क बनाया जाए।
इसके साथ साथ बागबेड़ा कॉलोनी कीताड़ी हरहर गुट्टू में काफ़ी दिनों से कचरा का अंबर भरा हुआ है। एक वायरलेस मैदान है जहां पर कम से कम 10 ट्रक तक कचरा का अंबर है और पानी उस जगह पर गिरने से आने वाला समय में उस क्षेत्र में महामारी का बीमारी पैदा हो सकता है। इसीलिए हम लोग आज डीसी महोदय से ये भी बताने आए हैं, जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत नए राशन कार्ड का सर्वे किया जाए और इसके साथ साथ लाइसेंसी दुकान को बढ़ाया जाए। पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। साक्षी सुभाष चंद्र बोस मैदान से पैदल यात्रा कर कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने उपायुक्त के माध्यम देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं पेट्रोलियम मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। कांग्रेस के प्रदर्शन में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब कांग्रेस नेता धर्मेंद्र प्रसाद भड़क गए। इतना ही नहीं, उन्होंने तूतू मैमे के साथ साथ सभी नेताओं को गाली गलौज कर दिए। यह भिड़ंत फोटो खिंचवाने में धक्का मुक्की को लेकर हो गई। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद बिहारी दुबे ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।